रेस्ट इन पीस वेस्ट इंडीज क्रिकेट, आईपीएल वेस्ट इंडीज क्रिकेट को ले डूबी। ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर आईपीएल खेल खेल के इनकी क्रिकेट खत्म हो गई। बड़ी अजीब अजीब चीजें इंटरनेट पे अभी अभी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि नेदरलैंड्स ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। दुनिया के नक्शे पे अगर आप वर्ल्ड मैप देखें ना, वेस्ट इंडीज नाम का कोई मुल्क ही नहीं है। आप अभी दुनिया का नक्शा देखें, आपको दुनिया के नक्शे पे वेस्ट इंडीज नजर ही नहीं आएगा, है ही नहीं है। ये बेसिकली रियासतें हैं, जमैका, सेंट लूशिया वगैरह वगैरह, ये सारे मिलके एक क्रिकेट टीम है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। बेसिकली ये जजीरे हैं बहुत ज्यादा। मेरी बहुत ज्यादा सिटिंग्स हैं, बहुत ज्यादा कन्वर्सेशंस रही हैं विव रिचर्ड्स के साथ, और विव रिचर्ड्स ने मुझे बड़ी अंदर की स्टोरीज बताई थी वेस्ट इंडीज क्रिकेट के बारे में। एक्चुअली 2017 की सीरीज में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, विव रिचर्ड्स वहां कॉमेंट्री करने आए हुए थे, और इतना ज्यादा वहां पे मीडिया का रश भी नहीं था। मजबूरी थी विव रिचर्ड्स की मेरे से बात करना, क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा बंदे नहीं थे। तो 2017 में पहली दफा मैं विव रिचर्ड्स के साथ बैठा, तो विव ने मुझे बड़ी तलख बातें बताई वेस्ट इंडीज क्रिकेट के बारे में कि वेस्ट इंडीज का तो एक तराना ही नहीं है। मतलब जमैका का अलहदा नेशनल एंथम है, सेंट लूशिया, मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं ये सारी, इनका एक नेशनल एंथम ही नहीं है, इनकी एक करेंसी नहीं है। यानी अगर आपने वेस्ट इंडीज जाना है तो हर स्टेट का अलहदा वीजा है, अलहदा करेंसी है। इक्का नहीं है मतलब वेस्ट इंडीज में, जो इक्का डैरन सैमी हमेशा से बनाना चाहते हैं वो कभी बना ही नहीं पाए इस वेस्ट इंडीज की टीम में। मुल्क का एक तराना ही नहीं है। अगर वो किसी को किसी एक चीज के साए के तले खड़े होके कंट्री का पैशन फील नहीं कर सकते, तो फिर ये लड़के वेस्ट इंडीज के सारे पैसे की तरफ ही जाएंगे। मतलब ये कहना कि जी आईपीएल ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट को तबाह कर दिया, ये बेवकूफों वाली बात है। किसी ने हाथ पांव पकड़ के वेस्ट इंडीज प्लेयर के उनको मजबूर नहीं किया कि आप आईपीएल खेलें, आप T20 क्रिकेट खेलें। हम पंजाबी में एक वर्ड यूज करते हैं डशकरे। डशकरे का मतलब होता है जिनमें बहुत ज्यादा जान हो। मतलब आपको पता है कि इनके अंदर कितनी जान है, कितने लंबे इनके कद हैं, कितने बड़े इनके होंठ हैं, इतने बड़े बड़े इनके बाजू हैं, ये डशकरे हैं सारे। ये T20 क्रिकेट की डिमांड है। मतलब आप नाम ले वेस्ट इंडीज के किसी प्लेयर का, दुनिया की हर लीग चाहती है कि वेस्ट इंडियन प्लेयर उनकी लीग को आके चार चांद लगाएं। तो ये चूरन बेचना बंद करें, आईपीएल को ब्लेम करना बंद करें। आपकी पाकिस्तान सुपर लीग, बांग्लादेश की लीग, कैरेबियन की अपनी लीग, साउथ अफ्रीका की लीग, हर प्रॉपर्टी में वेस्ट इंडीज के प्लेयर रेड हॉट फॉर्म में है। अब बड़ा सिंपल मेरा इसके बारे में ओपिनियन है, क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा इसमें इमोशनल हो जाते हैं कि यार वेस्ट इंडीज हमेशा वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएगी। उनकी डायरेक्शन ही नहीं है वर्ल्ड कप वाली, उनका जो रुझान है वो दूसरी किस्म की क्रिकेट को एंटरटेन करना है, जिसको आप एंटरटेनमेंट समझते हैं T20 क्रिकेट। तो आप समझ जाएं कि जो वेस्ट इंडीज का ध्यान है, जो उनकी प्रायोरिटी है, वो उस एंटरटेनमेंट वाली क्रिकेट की तरफ है जो आप देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो T20 क्रिकेट में डोमिनेट करें, और वो आपको नजर भी आते हैं उनके प्लेयर एज एन इंडिविजुअल भी, और वैसे भी वो आपको डोमिनेट करते नजर आते हैं। सो जो प्लेयर खुद ही नहीं चाहते कि वो ODI क्रिकेट में वैसे डोमिनेट करें, तो उनके बारे में दुख मना के हमने क्या करना है। ठीक है, क्रिकेट फैंस जज्बाती होके ये कह देंगे कि वेस्ट इंडीज की बड़ी रिच हिस्ट्री है, उस चीज का हमें भी दुख है, लेकिन अगर वो प्लेयर्स चाहते हैं कि उनकी डायरेक्शन T20 क्रिकेट है, उन्होंने T20 क्रिकेट को चार चांद लगाने हैं, तो उनको बेसिकली उनका दुख मनाना बंद करें। और जो टीमें अच्छा कर रही हैं, जैसे जिम्बाब्वे, यार मतलब अनबिलीवेबल क्रिकेट, आज उन्होंने 400 मार दिया है। कसम खुदा की जिम्बाब्वे की क्रिकेट को देख के, उनकी क्राउड को देख के, कैपेसिटी से ज्यादा क्राउड आ रहा है जिम्बाब्वे का, और जिम्बाब्वे 100% क्वालिफाई करेगी और डिजर्व करते हैं वो। और वर्ल्ड कप में 3-4 मैच जिम्बाब्वे जीत जाए, मैं कहता हूं मुझे तो बड़ा मजा आता है जब ये नीचे से टीमें उठती है ना, मुझे अंदर से बड़ा मजा आता है। सो जिम्बाब्वे का इस तरह की फॉर्म पकड़ना और वेस्ट इंडीज का बाहर जाना, आई एम हेयर फॉर द एंटरटेनमेंट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीते कौन हारे, एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए क्रिकेट में, और वो मिल रही है।